भारत रत्न भगवान दास, वो अकेडमिशियन जिनको भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन ने भी अपना गुरु माना। इन्होंने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या योगदान दिए हैं, आइए जानते हैं। वर्ष 1869 दिनांक 12 जनवरी वाराणसी में भगवान दास का जन्म हुआ। जिस समय देश में अंग्रेजी का बोलबाला था, उस समय भगवान दास का रुझान अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा की ओर था, और यही कारण है कि ये अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हुए थे। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी और उन्होंने 12 साल की आयु में हाई स्कूल, 16 साल में बीए और 18 साल में एमए पास कर लिया था, और वर्ष 1890 में वे तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए। फिर 1894 में उन्हें डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। इसी समय अवधि में उन्होंने एनी बेसेंट का भाषण सुना, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। इसके चलते उन्होंने उनके साथ कई मोर्चों पर काम किया और कुछ परियोजनाओं में सहयोग भी किया। भगवान दास ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। वर्ष 1898 में इनके पिता के निधन के पश्चात भगवान दास ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर अपने छात्रों के साथ काम किया। उन्हीं के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सकी। इसके बाद वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया। तब डॉक्टर भगवान दास ने उनके साथ मिलकर काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उसमें विलय कर दिया। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं, उसके प्रथम कुलपति भी बने। 1919 के वर्ष में वह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए यूपी सोशल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1920 में यूपी राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगस्त 1920 में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई एकेडमिक आर्टिकल्स लिखे। वह एकेडमिक और धार्मिक किताबों का अनुवाद करते थे। उनकी भगवद गीता का अनुवाद आज भी बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत भाषा में 30 से भी अधिक पुस्तकों पर लेखन किया। सन 1953 में भारतीय दर्शन पर उनकी अंतिम पुस्तक प्रकाशित हुई। डॉक्टर भगवान दास जी ने कई पुस्तकों और प्रकाशनों का लेखन और सहलेखन भी किया है। फिर आया सन 1955, जब भारत सरकार ने डॉक्टर भगवान दास को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम बनाने में बिताया। ये उन्हीं के योगदान का फल है कि आज भारत के विश्वविद्यालयों में वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ स्वदेशी शिक्षा पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। इस देश के अन्य भारत रत्नों के जीवन व उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।